सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जुलेखा ब्यूटी वर्ल्ड। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन दबा देना, जिसमें आपको मेरी वीडियोज की सारी नोटिफिकेशन और लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। यहाँ पर आपको ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स, ऑनलाइन मैंने डिजाइन एंड बेस्ट प्रोडक्ट के रिव्यू मिलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर इससे पहले आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता ही होगा कि मैं जो हूँ आपके साथ प्रोफेशनल जो एडवांस ब्यूटी पार्लर का कोर्स है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज मैं गई थी, आज मेरा क्लास वन था, तो उसके अंदर मुझे क्या क्या सिखाया है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ओके, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन दबा देना, जिसमें आपको मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन और न्यू लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं गई जब, तो वहाँ पर बहुत सारी चेयर्स रखी हुई थी और मेरी तरह बहुत सारी लड़कियाँ बैठी हुई थी। तो जो हमारा फर्स्ट अगर लेक्चर था, ये था कि सेल्फ परफॉर्मेंस जो रहता है हमें कैसा करना चाहिए। ओके, तो अगर आप किसी के पार्लर में जाते हैं तो हम लोग जब हम लोग सामने वाले से बात करते हैं, जब सामने वाले को देखते हैं कि वो कैसा बिहेवियर है, उसी हिसाब से हम लोग उससे मतलब क्या बोला जाता है, मतलब अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, मतलब बातचीत करने में हम लोग को उसके ऊपर विश्वास होता है। तो हम लोगों को अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होना चाहिए जिसको सामने वाले को कंफर्टेबल मिले। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि अगर कोई सामने वाला आपके पास आता है तो आपको सबसे पहले उसका वेलकम करना चाहिए। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी है वो कहना चाहिए। और दूसरा चीज़ ये है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये सब नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको वेलकम करना चाहिए जो आपके पास आता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि आपके जो फेस पे है, आपके बिहेवियर में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो पर्सन आया है उसको लगे कि हाँ, ये इस चीज़ में प्रोफेशनल है। थर्ड चीज़ ये कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, मतलब आपका जो बात करने का तरीका है वो आपको बहुत अच्छा होना चाहिए। ओके, तो बात करने का तरीका ये है कि आपको सामने वाले को विश्वास दिलाना होगा कि अगर आप उसका कोई भी काम करते हैं तो उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ओके, तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है, अपने ऊपर भरोसा दिलाना है। फोर्थ चीज़ ये है कि जो गुड ड्रेसिंग। ठीक है, अगर सामने वाला आपके पास आता है, अगर आप भी किसी के पास जाते हो, ऐसा सामने वाले को अगर आप देखोगे कि वो क्लीन है और साफ़ सुथरा है तो आपको भी वो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो जैसे अगर कोई सामने वाला भी हमें देख रहा है तो उसको भी लगना चाहिए कि ये पर्सन साफ सफाई में अच्छा है, क्लीन है, तो हाइजीन का ख्याल रखना होगा। ठीक है, और फिफ्थ चीज़ ये है कि हमारे फेस पे, अगर आप पार्लर में काम करते हैं या आपका खुद का पार्लर है, तो आपके फेस पे लाइट मेकअप रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम ब्राइडल करके मेकअप बैठे, जिसमें आपका फेस जो है अच्छी तरीके से ग्लोइंग करे। और जो मतलब होता है ना, किसी का फेस पे कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपको अच्छे से रहना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, आप पार्लर में मेकअप में आप अच्छे हो। आप अपना, जब आप अपना केयर कर सकते हो तो आप दूसरों का भी केयर करोगे, अच्छा ट्रीटमेंट दोगे। ठीक है, तो सिक्स पॉइंट ये है कि फेस में हमेशा स्माइल रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी से बात करते हैं और अगर सामने वाले का चेहरा उतरा हुआ है तो आपको खुद नहीं पसंद आएगा कि ये इंसान कैसा है। मतलब अगर आप कोई दुखी है, ठीक है, और कोई दुखी है, अगर आप उससे बात करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि उसके फेस से कि वो दुखी इंसान है। ओके, लेकिन अगर वो स्माइल देके बात कर रहा है तो सामने वाले का इंटरेस्ट बढ़ता है और उसको ऐसा लगता है कि सामने वाला भी हमारे में इंटरेस्टेड है। ओके, तो आपको हमेशा अपने फेस पे स्माइल रखना चाहिए। ठीक है, सेवन्थ पॉइंट ये है कि गुड परफॉर्मेंस देना चाहिए। जैसे अगर कोई पर्सन आता है आपके पास, कोई भी लेडी आती है, तो आपको अच्छा अपना काम करना चाहिए और अच्छे प्रोडक्ट का यूज़ करना चाहिए और अच्छे तरीके से बात करना चाहिए और गुड सर्विस देना चाहिए, यानी अच्छी सर्विस देना चाहिए। ओके, और एट पॉइंट ये है, जो हमारे कस्टमर है उनसे, अगर जैसे सारी चीज़ें हो गई, अगर आपकी सर्विस वगैरह हो गई है, तो आपको उनके बारे में सर्विस करने से पहले आपको पूछना चाहिए कि आपके स्किन पे कोई एलर्जिक वगैरह तो नहीं है, कोई स्किन पे प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, उनके बारे में पूछना है कि आपको शुगर वगैरह तो है नहीं, अगर, क्योंकि हम लोग कोई भी ऐसा, अगर किसी शुगर वाले की पेशेंट, जो शुगर का पेशेंट है, अगर हम उसके ऊपर या लोखंड की, आयरन की चीज़ अगर इस्तेमाल करते हैं तो उनको अगर लग गया, अगर ज़रा सा भी जख्म हो गया तो उनको प्रॉब्लम होगा। ओके, तो हमको ये पूरी जानकारी लेना होगा, तो इसके भी बारे में मैं आपको और डिटेल दूंगी। आज तो मेरा फर्स्ट लेक्चर था, तो मैं आज यही सीखी हूँ, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ओके, और जब आपका पूरा सर्विस हो जाए तो आप पहले जो कस्टमर है उनसे पूछिए कि अगर आपको नेक्स्ट टाइम सर्विस करवाना है, या कोई भी हमारे यहाँ पे ऑफ़र आता है फेस्टिवल में या कोई भी त्यौहार पे, जो ऑफ़र रहेगा वो हम आपको कैसे बताएंगे। इसके लिए आपको आपका डिटेल देना होगा, यानी कॉन्टैक्ट नंबर देना होगा। अगर आपको कॉन्टैक्ट चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए डिटेल, मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो आप एक कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए उनके नाम के साथ, अगर वो एग्री करता है तो। ऐसे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप उनको बताइए कि इस फेस्टिवल में
जैसे कोई भी फेस्टिवल आया, फॉर एग्जाम्पल क्रिसमस आया या ईद आया या गणपति, जो भी फेस्टिवल होते हैं हमारे इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, तो अलग अलग फेस्टिवल में जैसे कोई भी ऑफर अगर आप दे सकते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट होते हैं आपके पास, ठीक है, और वो अच्छी सर्विस देखने की वजह से और आते हैं आपके पास। तो आपको उनका नाम लेना है, नाम लिख लेना है, और जो भी और नंबर है तो नंबर आप ले सकते हैं। ओके, तो आते हैं 9th पॉइंट पे कि आप जब ये सब ले लीजिए तो अगर जैसे आपने थ्रेडिंग किया तो आपको पता होना चाहिए कि थ्रेडिंग के कितने दिन के बाद उनकी आईब्रो पे मतलब पूरे हेयर्स आ जाएंगे, तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देना चाहिए, ठीक है। आप अपने जो कस्टमर है या क्लाइंट जिनको हम कहते हैं, तो आपको उन्हें नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देना चाहिए इतने दिन के बाद। अगर वो आते हैं तो ठीक, वरना कोई बात नहीं, लेकिन जब उनको ठीक लगेगा तो वो लोग आएंगे। तो आज मैं ये सब चीज़ सीखी हूँ तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन दबा देना, जिसमें आपको मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस और न्यू लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। यहाँ पे आपको ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स, ऑनलाइन मैंने डिजाइंस एंड बेस्ट प्रोडक्ट के रिव्यू मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और ये मेरा फर्स्ट क्लास था तो मैं आपके साथ शेयर की हूँ कैसे मेरा एक्सपीरियंस था और क्या क्या डिटेल थे। तो आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।